चुड़ैल की मिक्स फ्रूट ट्रेन। पापा, ट्रेन का समय 10 बजे का है और आप मुझे 9 बजे ही यहाँ ले आए हो। पूरे 1 घंटा हमें यहाँ इंतजार करना होगा। करण के इतना कहते ही उसके पिता दुर्योधन उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। अरे पापा मत बोल, पप्पा जी बोल। जी पापा जी। दुर्योधन फिर से करण के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। अबे आगे जी मत लगा, पीछे जी लगा पीछो। ओके पापा जी, देखो सामने से मिक्स रूट वाली ट्रेन आ गई है, जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें ट्रेन में चढ़ना है। इस बात पर फिर से दुर्योधन उसको एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उससे कहता है, अबे मैं क्या कोई औरत हूँ जो तैयार हो जाऊँ। सॉरी पापा जी। करण अपने पिताजी के साथ ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है, जिसके बाद मिक्स फ्रूट की ट्रेन चलने के लिए तैयार हो जाती है। मिक्स फ्रूट की ट्रेन के अंदर सभी प्रकार के फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे नारियल का पानी, तरबूज, बनाना, लीची, मैंगो और भी सभी प्रकार के फल उसमें उपलब्ध होते हैं। पैसेंजर आराम से फ्रूट्स खाकर अपना सफर निकालते हैं। मिक्स फ्रूट ट्रेन के अंदर एक डिब्बे में कई सारे अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स रखे होते हैं। ये लो पापा जी, फ्रूट खाओ। मिक्स फ्रूट ट्रेन के अंदर बैठकर अगर हमने फ्रूट्स नहीं खाए तो फिर इस सफर का क्या फायदा। तभी दुर्योधन करण को एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसके बाद करण अपने पिता से कहता है, अब क्या हुआ पापा जी, अब क्यों मुझे आपने थप्पड़ मारा। खिला खिला कर जान से मारेगा क्या आपने पापा को। इस बार करण कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहता है। तभी एक घना जंगल आता है जहाँ मिक्स फ्रूट की ट्रेन अचानक से रुक जाती है। ट्रेन के चारों तरफ हलचल मच जाती है और सभी टीटी से पूछने लगते हैं, अरे सर ये इतनी रात को जंगल के अंदर ट्रेन क्यों रुकी है। अरे यहाँ पर तो कोई स्टेशन भी नहीं है, फिर ट्रेन यहाँ पर आकर क्यों रोकी गई है भाई। अबे क्यों रोके हो बे, आप लोग शांति से बैठ जाइए, अगर ट्रेन यहाँ पर रुकी है तो कोई जरूरी काम ही होगा, वरना ट्रेन ऐसे कभी भी बीच जंगल में नहीं रुकती। आप लोग शांति बनाए रखें, मैं अभी ड्राइवर के पास होकर आता हूँ। टीटी ड्राइवर के पास पहुँच जाता है। जैसे ही वो ड्राइवर का दरवाजा खोलता है वहाँ पर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल ड्राइवर की सीट पर बैठी होती है। जैसे वो टीटी को देखती है चुड़ैल टीटी से कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की, अब तो तू गया बेटा, अपनी जान बचा सकता है तो भाग। चुड़ैल, अरे अरे भागो रे, यहाँ से भागो, अरे कितनी भयानक चुड़ैल आ गई है। कहाँ तक भागोगे, तुम में से कोई नहीं बचेगा, मैं तुम सबको मार दूंगी। जैसे ही ट्रेन के पैसेंजर टीटी की आवाज सुनते हैं वो सभी चुड़ैल के नाम पर ट्रेन से भागने लगते हैं। टीटी जल्दी से ट्रेन के सभी दरवाजे खोल देता है, लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल ट्रेन से बाहर निकलती है और सबको भागते हुए देखकर कहती है, तुम लोगों को रोकने के लिए तो मेरी एक फूंक ही काफी है। इतना कहकर चुड़ैल पूरी ताकत से फूंक मारने लगती है। उसकी फूंक से सभी पैसेंजर मिक्स फ्रूट्स बन जाते हैं, कोई आम बन जाता है, कोई तरबूज बन जाता है, तो कोई फिर नारियल पानी बन जाता है। ऐसे ही देखते देखते सभी अलग अलग तरह के फल बन जाते हैं, जिन्हें उठा उठा कर चुड़ैल अपनी ट्रेन में भर लेती है। कब और कहां तक भागेंगे मुझसे, एक दिन मैं इस गांव को मिक्स फ्रूट बना दूंगी, जिसके बाद मैं उन सभी फलों को खाऊंगी। जैसे ही चुड़ैल वापस अपनी मिक्स फ्रूट ट्रेन के अंदर जाने के लिए पीछे मुड़ती है, उसके पीछे दुर्योधन खड़ा होता है, जो एक खींच का थप्पड़ चुड़ैल के मुंह पर मारता है और उससे कहता है, अबे ओ चुड़ैल, अबे तू चुड़ैल है या फिर फल बेचने वाली, देख चुड़ैल मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर तू चुड़ैल है तो लोगों को मारकर खा जा, ये लोगों को अलग अलग प्रकार के फल बनाकर क्या मिलेगा तुझे। चुड़ैल बहुत ही गुस्से से दुर्योधन को देखती है। वहीं करण अपने पिता दुर्योधन के पीछे छुपकर अपने मन ही मन कहता है, ओम्फो पापा जी ने तो चुड़ैल को भी थप्पड़ मार दिया। अबे बुड्ढे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर चुड़ैल दुर्योधन की मुंडी उसके शरीर से अलग कर देती है। वहीं वो करण को भी उसके साथ साथ मार देती है, जिसके बाद वो अपनी फ्रूट ट्रेन में बैठकर वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन ट्रेन गायब होने की खबर चारों तरफ फैल जाती है और सभी एक दूसरे से पूछते हैं, अरे आखिर ट्रेन जा कहां सकती है, हर रोज रात के समय कोई ना कोई ट्रेन गायब होती रहती है, ट्रेन के साथ साथ अंदर के सभी पैसेंजर्स भी गायब हो जाते हैं।
अरे कोई भूत प्रेत हमारे गांव की ट्रेन को गायब तो नहीं कर रहा? अरे माता जी, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। विकास की बात सुनने के बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। शाम होते होते रेलवे स्टेशन पर फिर से एक मिक्स फ्रूट ट्रेन आती है जिसके अंदर कई सारे लोग भरे होते हैं। वो सभी कन्हैयापुर गांव में उतर जाते हैं जिसके बाद कन्हैयापुर के सभी पैसेंजर ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं। ईटानगर जाने के लिए हर बार की तरह इस बार भी ट्रेन एक जंगल में रुक जाती है जिसके बाद चुड़ैल ट्रेन के सभी लोगों को मिक्स फ्रूट बना देती है। जो भी मिक्स फ्रूट ट्रेन के अंदर सफर करेगा मैं उन सबको फल के रूप में बदल दूंगी। तभी कुछ औरतें चुड़ैल को चारों तरफ से घेर लेती हैं। अरे चुड़ैल, कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? तेरी वजह से कितने लोगों की जान चली गई है? आखिर तू गांव वालों को कहाँ गायब कर रही है? अरे ओ चुड़ैल की बच्ची, जल्दी से पटर पटर बोल दे, नहीं तो तेरा वो हल करूंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम औरतों को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या जो मुंह उठाकर मेरे पास आ गई हो? तुम्हें भी इन बाकी लोगों की तरह फल बना दूंगी जिसके बाद कोई भी जानवर या कोई भी इंसान तुम्हें उठाकर खा जाएगा। चुड़ैल की बच्ची, तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, तुझे तो हम अभी बताते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकायेषु सर्वदा। जैसे ही आराध्या मंत्रों का जाप करती है चुड़ैल के अंदर से आग के बगुले निकलने लगते हैं। रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। ये कुछ समय पहले की बात है। मैं और मेरे पति इंजीनियरिंग का काम करते थे। सरकार द्वारा हमें एक प्रोजेक्ट मिला था। हमें एक अद्भुत नई प्रकार की ट्रेन लॉन्च करनी थी। हमारे पास कोई आइडिया नहीं था। एक दिन मैं फल खरीदने गई। जैसे ही मैंने अलग अलग प्रकार के फलों को देखा तो मैंने मिक्स फ्रूट ट्रेन बनाने का प्लान किया। मेरा पति मेरे साथ था। हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे। ये प्रोजेक्ट करोड़ों रुपए का था जिसकी वजह से मेरे पति ने मुझे ही धोखा दे दिया। और जब मिक्स फ्रूट ट्रेन लॉन्च हुई तो मेरे पति ने मुझे ट्रेन चलाते चलाते वहीं मार दिया और सारा पैसा खुद हड़प लिया जिसके बाद मैं एक भयानक चुड़ैल बन गई। अब मैं इस ट्रेन में किसी को भी बैठने नहीं देती हूँ क्योंकि ये ट्रेन मेरी है। तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन जो तुम लोगों के साथ कर रही हो वो भी बहुत गलत है। देख चुड़ैल, हम सभी औरतें कन्हैयापुर से हैं और कान्हा जी के भक्त हैं। जब हमें ट्रेन के बारे में पता चला तो हम लोगों की रक्षा करने के लिए यहाँ आ गए। इसीलिए हम चाहते हैं कि तू यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। हम तेरे पति को उसके हक की सजा जरूर दिलाएंगे। सभी औरतों की बात सुनने के बाद चुड़ैल को अपनी गलती का पछतावा होता है जिसके बाद चुड़ैल उनसे कहती है, तुम सब ठीक कहती हो, मैं बेवजह लोगों को परेशान कर रही हूँ। जब तुम मेरे पति को सजा दिलवा दोगी तो मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी और इन लोगों को भी मुक्त कर दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है जिसके बाद वो सभी औरतें उसके पति के खिलाफ कंप्लेन लिखवा देती हैं, जिसके बाद उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। चुड़ैल भी अपनी शक्तियों से फ्रूट बने हुए लोगों को वापस इंसान बना देती है और वहाँ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। चुड़ैल की जादुई सोने की गाय। अले मेली लाम दुलाली, इतनी शांत क्यों है? तुझे भूख लगी है? चल तुझे गांव में टहला लाती हूँ। चुड़ैल अपनी गाय राम प्यारी को जंगल से गांव की तरफ टहलाने के लिए ले जाने लगती है। राम प्यारी की आंखें खून की तरह लाल दिख रही होती हैं। तभी चुड़ैल राम प्यारी से कहती है, ये ले मेली लाम प्यारी, यहाँ पर चारा रखा हुआ है, ये ले इसे खा ले। चुड़ैल के जाने के बाद चुड़ैल की गाय राम प्यारी अपनी मुंडी हिलाने लगती है और अपने मुंह से आवाज निकालने लगती है। मुझे पता था कि तुझे ये बहुत पसंद आएगा। चल अब तू अपना चारा खा, मैं चली अपना शिकार ढूंढने। चुड़ैल गांव में यहां से वहां अपने खाने के लिए कुछ ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी उसे एक आंगन में कुछ बकरियां बनी हुई दिखाई देती हैं, जिसके बाद चुड़ैल खुद से कहती है, अरे वाह,
कितनी सारी बकरियां हैं, इनका तो खून भी गर्म होगा। आज इन्हें ही खाकर अपना पेट भर लेती हूँ, स्वादिष्ट लग रही हैं। तभी चुड़ैल उनमें से एक बकरी को पकड़ती है और उसके दो टुकड़े करके खाने लगती है। तभी उसे अपनी गाय राम प्यारी के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ये क्या, ये तो मेरी राम प्यारी की आवाज लग रही है, कहीं कोई उसे परेशान तो नहीं करने लगा, मुझे जाकर देखना चाहिए। जैसे ही चुड़ैल वापस से अपनी राम प्यारी के पास उसे ढूंढती हुई पहुंचती है तो वो देखती है कि गांव के दो आदमी उसकी राम प्यारी को परेशान कर रहे होते हैं और डंडे से मारकर उसे वहां से भगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अरे भाई आज ये बचकर नहीं जानी चाहिए, इसको छोड़ना नहीं। बे माल लट दो इसके अंदर, यही वो गाय है जो रात को आती है और हम गाँव वालों की गाय का चारा खाकर गायब हो जाती है, आखिर ये गाय आती कहाँ से है? अरे भैया कहीं से भी आती हो लेकिन आज हम इसका नहीं छोड़ेंगे। वो दोनों चुड़ैल की जादुई भूतिया गाय के ऊपर लाठी बजाने लगते हैं। ये देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत उन दोनों के सामने प्रकट हो जाती है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी गाय को हाथ लगाने की, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। चुड़ैल अपने लंबे लंबे हाथों से उन दोनों की गर्दन पकड़ लेती है और उन्हें जमीन पर पटक पटक कर मारने लगती है। क्यों आया मजा मेरी गाय को मारने चले थे, आप देखो मैं तुम्हें आज अपनी गाय का भोजन बना देती हूँ। चुड़ैल उन दोनों को जान से मार देती है और उसके बाद उनके छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी जादुई भूतिया गाय को खिला देती है, जिसके बाद भूतिया गाय उन दोनों को खा जाती है और खाने के बाद सोने का गोबर करने लगती है। ऐसे दुष्ट और बुरे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, अगर कोई भी मेरी गाय को परेशान करेगा तो मैं उसके साथ ऐसा ही करूंगी। चुड़ैल उस गाय के गोबर को उठाती है और कुछ गांव के गरीब लोगों के दरवाजे के बाहर रख देती है। इस गांव में रहने वाले अमीर लोग दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और भी ज्यादा गरीब हो गए हैं। ये कहकर चुड़ैल अपनी जादुई भूतिया गाय के साथ वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद अगले दिन सुबह रामू और मोहन के लापता होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अरे आखिर कहां गए मेरे रामू और मोहन, इन्होंने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे जीजी मुझे तो डर लग रहा है कहीं उन दोनों को चुड़ैल ने तो नहीं पकड़ लिया। अरे सावित्री तू कैसी बात कर रही है, शुभ शुभ बोल, शाम होते ही तेरे दोनों बेटे तेरे पास लौट आएंगे। तभी एक लखन नाम का लड़का भागते हुए सावित्री के पास आता है और उससे कहने लगता है। अरे बुआ जी अब कैसे बताऊं, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, हमारे दोनों भैया रामू और मोहन। अरे रो क्यों रहा है, आखिर क्या बात हो गई, जल्दी से बता, मेरा तो दिल थामा ही जा रहा है। बुआ जी रामू और मोहन अब दुनिया में नहीं रहे, चुड़ैल ने उन्हें मार दिया है, उनका बचा कुचा शरीर जंगल में पड़ा है। ये सुनते ही सावित्री अपनी छाती पीटते हुए जोर जोर से रोने लगती है, जिसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर रामू और मोहन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। चुड़ैल तूने ये अच्छा नहीं किया, तूने मेरी दोनों संतान मुझसे छीन ली, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। सावित्री अपने दोनों बेटों का अंतिम संस्कार करने के बाद एक भैरव बाबा के पास जाती है ताकि वो अपने दोनों बेटों की मौत का बदला ले सके। बाबा मेरी मदद करो, वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है, उसके पास उसकी एक भूतिया गाय भी है, उसने मेरे दोनों जवान बेटों को मौत के घाट उतार दिया, मुझे उससे अपने बेटे के मौत का बदला चाहिए। बदला लेना समस्या का समाधान नहीं होता, समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। हम उस चुड़ैल को इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए भगा देंगे, जिससे कि वो दोबारा किसी की हत्या न कर सके। ये कहकर भैरव बाबा सावित्री के साथ गांव पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे रात होने लगती है और रात के समय भैरव बाबा गांव में अपनी एक तंत्र विद्या को शुरू करते हैं। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय चुड़ैल प्रकट हो, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय चुड़ैल प्रकट हो। भैरव के मंत्र पढ़ने के बाद चुड़ैल वहाँ अपनी जादुई भूतिया गाय के साथ प्रकट हो जाती है। क्यों बुलाया है तुमने मुझे यहाँ, क्या चाहते हो तुम मुझसे,
देख चुड़ैल, तू इन गांव वालों का पीछा छोड़ दे, इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू क्यों इन्हें मारना चाहती है? गांव वालों की वजह से आज मेरी हालत हुई है, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं इनसे अपनी मौत का बदला लूंगी। कौन सा बदला, आखिर क्या हुआ था तेरे साथ? कुछ समय पहले मैं इस गांव में रहा करती थी, मैं सरस्वती माँ की बहुत बड़ी भक्त थी, सुबह शाम मैं उनकी सेवा किया करती थी। एक दिन मुझे जंगल में एक सोने की गाय मिली जो सोने का गोबर किया करती थी, वो बहुत ही पीड़ित हालत में थी। मैंने उसे उठाया और उसकी मदद की और उसे अपने घर ले आई, जिसके बाद मुझे पता चला कि वो एक जादुई सोने की गाय है जो सोने का गोबर करती है। मैंने उस गाय के गोबर को इकट्ठा किया और उसे बेचकर जो पैसे आए मैंने उन पैसों को गरीबों में बांट दिया, और ऐसा मैं हमेशा करने लगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तेरी मौत का कारण क्या था? गरीब लोगों की मदद करते करते मेरे पास भी कई पैसे इकट्ठे हो गए और धीरे धीरे मैं अमीर होने लगी, और इन गांव वालों ने ये बात मुखिया तक पहुंचा दी, जिसके बाद मुखिया से ये सब ना देखा गया और उसने मुझे मरवाने के लिए अपने कुछ गुंडे भेज दिए। उसके एक गुंडे ने मेरी गाय को मार दिया और उसके बाद मेरी गर्दन काट कर मेरे शरीर से अलग कर दी, लेकिन मरने के बाद भी मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और मैं बदला लेना चाहती थी। उसी क्षण मैंने सरस्वती माँ को याद किया, उन्होंने मुझे वरदान दिया कि तुम अपना बदला ले सकती हो, लेकिन तुम कभी किसी का गलत नहीं करोगी, इसीलिए मैं इस जादुई भूतिया गाय को बुरे इंसानों को खिला देती हूँ, जिसके बाद ये गाय सोने का गोबर देती है और मैं उस गोबर से गरीब लोगों की मदद करती हूँ। देख चुड़ैल, जितना बदला लेना था तू ले चुकी है, अभी गांव के मासूम लोगों को छोड़ दे और इनकी जान बख्श दे, इन्होंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तू बेकार में इनसे बदला ले रही है। अगर तुझे मारना है तो गांव के मुखिया को मार दे और यहां से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जा, क्योंकि सारा किया धरा मुखिया का ही है। मैं उसे मार दूंगी, नहीं छोड़ूंगी, अब मैं अपनी मौत का बदला उसी से लूंगी। तभी चुड़ैल के सामने मुखिया आ खड़ा होता है, जिसके बाद भैरव कहता है, ये ले चुड़ैल, तेरा शिकार आ गया, अब तो इसे मार के यहाँ से मुक्त हो जा। चुड़ैल गांव के मुखिया को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है कि तभी भैरव बाबा अपनी भभूति चुड़ैल के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे उसे थोड़ा सा धुंधला दिखाई देने लगता है। तभी भैरव उसके सामने मुखिया की जगह एक पुतले को खड़ा कर देता है, जिसके बाद चुड़ैल जैसे ही देखने लगती है वो उस पुतले को मारने लगती है। कुछ ही देर में चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपनी भूतिया सोने की गाय के साथ वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है, और गांव के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। नाचने वाली तीन चुड़ैल। सूरज डूबने के साथ चारों ओर अंधेरा सा छा जाता है और देखते ही देखते काली भयानक रात हो जाती है। तभी श्रवण नाम का एक युवक वीरान पड़े खंडहर हवेली के पास से मोटरबाइक पर सवार होकर गुजरते हुए गाते हुए बोलता है, कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, ओ ढोलना मेरी ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरी चाहते भी फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होकर फना, मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरी चाहते भी फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होकर बना। गाने की धुन के साथ चारों तरफ घुंघरुओं की झनकार गूंजने लगती है कि तभी श्रवण के सामने तीन चुड़ैल खूबसूरत रूप धारण किए नर्तकी की पोशाक पहने प्रकट होकर कहती हैं, ता दी ता दी ता दई ता दई। क्या हुआ, तुम्हें हमारा नृत्य पसंद नहीं आया क्या? कौन हो तुम तीनों? हम तीनों नर्तकी हैं, हमें तो लगा कि तुम हमें नर्तकी के इस पोशाक और पैरों में घुंघरू देखकर एक ही क्षण में पहचान लोगे। पर तुम तीनों आधी रात के समय इस सुनसान से रास्ते पर ही क्यों नाच रही हो?
क्योंकि हमें नृत्य करने के लिए सिर्फ रात की ही घड़ी मिलती है। नहीं समझे? अभी समझाते हैं। ये कहकर वो तीनों खूबसूरत नर्तकी भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। उनका रूप बिगड़कर एकदम खूंखार हो जाता है और मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर श्रवण डरते हुए कहता है, तुम तीनों चुड़ैल हो? हाँ, हम चुड़ैल हैं। अब हम तुझे अपना नृत्य दिखाएंगे। भाग श्रवण, ये नाचने वाली चुड़ैल तेरा काम तमाम कर देंगी। ये कहकर श्रवण भागने लगता है और नाचने वाली तीनों चुड़ैल कहती हैं, मूर्ख इंसान, शायद इसे हम नाचने वाली चुड़ैलों की शक्ति का पता नहीं है। चिंता मत करो, ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा, क्योंकि हमारे घुंघरू की झनकार और सुरों की तान उसे मंत्र मुग्ध कर लेगी। सानी धा रे गा मा, मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, जिंदा रहेंगी तुझ में सदा। चुड़ैल के मुंह से आ रही मधुर तान और घुंघरू की झनकार से मंत्र मुग्ध होकर श्रवण मूरत बनकर उसी जगह पर खड़ा रह जाता है और तीनों चुड़ैल तेजी से भरतनाट्यम करते हुए उसके करीब आकर उसे मार डालती हैं और कहती हैं, तुमने हमारे नृत्य को अधूरा छोड़कर भागने की गुस्ताखी की, इसलिए तुम्हें मरना पड़ा। अगर हम चुड़ैल के नाच को अधूरा देख कर नहीं भागते तो अच्छा होता। अरे बस भी करो, अब एक मुर्दे के पीछे शोक मनाकर पूरी रात काली करोगी क्या? चलो नाचते हैं। तीनों चुड़ैल रात भर पैरों में बंधी घुंघरू की तान पर नाचती हैं और सवेरा होने के साथ गायब हो जाती हैं। ऐसे ही अगली रात फिर वो उसी खंडहर जैसे महल के बाहर खड़ी होकर नाचती हैं। तभी एक युवक नशे में धुत होकर गाते हुए चला जा रहा था, नाच नाच मेरी रानी 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 मेरी नाच मेरी रानी। तिवारी के इतना कहते ही तीनों नाचने वाली चुड़ैल उसके सामने प्रकट हो जाती हैं और उनसे एक कहती है, हाँ जब तक है जाने जहाँ, मैं नाचूंगी हम नाचेंगे। अरे हे, ये रास्ता के बीचों बीच किस वीरू की बसंती को गई है? क्यों रे बुढ़ाऊ, एक पैर मौत के दरवाजे पर लटक रही है और इस बुढ़ापे में भी तुझे जवानी चाह रही है। संभलती नहीं तो चढ़ाता क्यों है? जरूरत से ज्यादा ही पौवा चढ़ा लिया है। अब तुझे हम चुड़ैलों का नाच देखना होगा। मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ? नाचो मेरे बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। हम तेरी बुलबुल नहीं, चुड़ैल हैं। रहने दे नित्या, लगता है नशे में इसे हम चुड़ैलों में परी दिख रही है। चलो नाचते हैं। तू ही स्वप्न स्वप्न है मेरा, तू ही रूप रंग है मेरा साथिया। अरे मेरी बसंती हो, 70 के दशक के गीतों पर क्यों टुबक रही हो? ये कोई गब्बर गाड़ी थोड़े है। चलो ना मैं गाता हूँ, नाचो। नागिन जैसे कमर रा आ डांस मेरी रानी 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 मेरी डांस नाच मेरी डांस मेरी। मूर्ख चुड़ैलो, तुम इसकी तान पर क्यों थिरकने लगी? बस करो नाचना, इसको परलोक भेजने की घड़ी आ गई। अब ऊपर जाकर पौवे के समंदर में डूबकर सुर संग्राम का तान भरते रहियो। बेचारा नशेड़ी ऊपर जाकर सोचता रहेगा कि कैसे इसका ट्रांसफर धरती से दूसरे अंतरिक्ष पर हुआ। इतना कहकर तीनों चुड़ैल तेजी से नाचते हुए तिवारी के करीब आकर उसे मार डालती हैं और कहती हैं, अब जाकर इस तिवारी की बीमारी से छुटकारा मिला। उसको बेरहमी से मौत के घाट उतार कर तीनों चुड़ैल रात भर भूतहा नाच नाचती हैं और सुबह होने के साथ गायब हो जाती हैं। ऐसे ही वो हर रात नाचते हुए लोगों को मार डालती हैं, जिस कारण अब धीरे धीरे गाँव से लोगों की तादाद घटने लगती है, जिसे देखकर लोग चिंता जाहिर करते हुए कहते हैं, हमारे गांव के लोगों को इतनी बेरहमी से आखिर कौन हत्यारा मौत के घाट उतार रहा है? हो रहे मौत के पीछे एक बात सबसे अलग है, सभी गांव वाले इस हवेली के बाहर ही क्यों दम तोड़ रहे हैं? इसके पीछे का रहस्य जो भी है वो आज रात हम पता लगा कर ही रहेंगे, आज हत्यारा पकड़ा जाएगा। जैसे ही रात होती है सभी गाँव वाले उस हवेली के इर्द गिर्द छुप जाते हैं।
तभी तीनों चुड़ैल नर्तकी की पोशाक पहने वहां प्रकट होकर घुंघरू छनकाते हुए नाचना शुरू करती है। तभी गांव के सभी लोग बाहर आकर कहते हैं, तो लोगों के मानने के पीछे तुम तीनों नाचने वाली चुड़ैलों का हाथ है? हाँ, हम चुड़ैल ही इस गांव में मौत का नाच नाच रही हैं। सरपंच जी, हो ना हो इन तीनों नाचने वाली चुड़ैलों का इस महल से कुछ तो वास्ता है, तभी ये यही नाचती है। बताओ, वरना हम इस महल को ही आग लगा देंगे। नहीं रुको, हम तुम्हें सब कुछ बताते हैं। ये कहानी कुछ 150 बरस पहले की है। रायगढ़ नामक इस गांव में सब कुछ अच्छा था। रायगढ़ गांव के सबसे समृद्ध राजा थे राजा नागेंद्र। उनके आदेश से सारा साम्राज्य चलता था। उसी राजघराने में नृत्या, मंजुला और पद्मा नाम की नर्तकी राजा के मनोरंजन के लिए नाचती थी। हमेशा की तरह आज भी वो राज दरबार में प्रस्तुत होकर नृत्य करने लगती हैं। तभी राजा उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, वाह, तुम दोनों का अद्भुत नृत्य क्या काबिले तारीफ है। हम प्रसन्न हुए, इसलिए आज से तुम तीनों हमारे इसी महल में रहोगी। शुक्रिया महाराज, हमें इस हवेली में पनाह देने के लिए। तीनों नर्तकी उसी हवेली में रहने लगती हैं और धीरे धीरे राजा उनके नृत्य के साथ उनके खूबसूरत रूप की तरफ भी मोहित होने लगता है। ये देखकर उसकी पत्नी स्वगामिनी के मन में जलन की भावना भड़कने लगती है और वो कहती है, मैं इतिहास को दोहराने नहीं दूंगी। ये नीच नाचने वाली मेरे पति के दिल में तो घर बना ही चुकी है। इससे पहले कि मेरा घर संसार उजाड़ कर रख दे, मैं इन्हें खत्म कर दूंगी। स्वगामिनी केसर का दूध बनाकर उसमें विषैला जहर मिलाकर उनके पास आकर कहती है, क्या मैं अंदर प्रवेश कर सकती हूँ? अरे महारानी, आप आइए ना, ये तो आपका ही घर है। पर जब से तुम नाचने वालियों ने इस महल में कदम रखा है, मुझे इजाजत तो लेनी ही पड़ती है। ये लो दूध लाई हूँ, महाराज सभा में पधारने वाले हैं, इसे पी लो ताकि जोश भरा नृत्य करके महाराज को प्रसन्न कर सको। शुक्रिया महारानी, आपने हमारे लिए तकल्लुफ की। तीनों नर्तकी बिना सोचे उस दूध को पी जाती हैं और कुछ ही पलों में उनके मुंह से खून की उल्टियां होने के साथ तीनों की दर्दनाक मौत हो जाती है और वो चुड़ैल बनकर उस महल पर कहर की तरह टूट पड़ती हैं और सबको खाक में मिला देती हैं। हमने उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया और उसने हमें मार दिया। पर तुम तीनों चुड़ैलों ने मरकर उससे बदला तो ले लिया, पर अब ये मौत का नाच क्यों नाच रही हो? क्योंकि जब तक हमारे लाश का अंतिम संस्कार नहीं होगा, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। पर तुम्हारी लाश है कहाँ आखिर? उसने हमें मार कर सच छुपाने के लिए हमारी लाश हवेली के पीछे गड़वा दिया था। तब से हमारी लाश वहीं पड़ी है। उसका अंतिम संस्कार कर दो, हमें मुक्ति मिल जाएगी। सभी गांव वाले मिलकर उन तीनों नाचने वाली चुड़ैलों की लाश को खोद कर बाहर निकालते हैं और विधि विधान से अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिसके बाद वो तीनों नाचने वाली चुड़ैल गायब हो जाती हैं। चुड़ैल और भूतिया कुत्ते की शादी। रात का समय था, चांद की रोशनी धरती पर पड़ रही थी। उस चांद की रोशनी में भयंकर चुड़ैल पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर किसी का इंतजार कर रही थी। ओफो, पता नहीं ये नालायक कहाँ रह गया। मैं कितनी देर से इसका इंतजार कर रही हूँ, भगवान जाने कब आएगा। मैंने तो सुना था कि लड़कियाँ लड़कों को वेट करवाती हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है, ये कुत्ता मुझसे वेट करवाता है। वो चुड़ैल इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक भूतिया कुत्ता दौड़ते हुए आता है। अरे मेरी जानू, मुझे माफ कर दो, गलती से आज मैं लेट हो गया। क्या तुम्हें पता नहीं कि लड़कियां वेट करवाती हैं लड़कों को, लड़के नहीं? अरे मेरी जानू, अब मान भी जाओ, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन मैं जल्दी अपने घर से नहीं निकल पा रहा था, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई। गलती तुम्हारी नहीं, गलती हमारी है। काश हम लोगों ने उस दिन उस देवता का मजाक नहीं बनाया होता, तो शायद आज हम अपने असली रूप में होते। हम दोनों अपना जीवन कितना खुशहाल तरीके से व्यतीत कर रहे थे, लेकिन हमारी एक छोटी सी गलती ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। सीलमपुर गांव में सुनीता और विवेक नाम के एक लड़का और एक लड़की रहते थे। वो दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उन दोनों के प्यार के साथ साथ उन दोनों को खुद पर बहुत घमंड था, क्योंकि वह दोनों उस गांव में काफी सुंदर थे। यदि उन लोगों के पास कोई आता तो वह उसका मजाक बनाकर उन्हें भगा दिया करते। ऐसे ही एक बार की बात है, विवेक और सुनीता एक पार्क में बैठकर आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। यार सुनीता, तुम जल्दी से अपने घर वालों को मना लो,
उधर तुमने अपनी फैमिली को शादी के लिए राजी किया, इधर मैं अपने माँ बाप को तुम्हारे घर पर लेकर आ जाऊंगा। हाँ विवेक, मैं अभी घर जाऊंगी और अपने माँ बाबा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि उन्होंने मेरी हर एक डिमांड पूरी करी है, तो शायद वो मेरी इस इच्छा को भी जरूर पूरा कर देंगे। वह दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आता है, जिसका चेहरा काले धब्बों से भरा हुआ था। उसके हाथ पैर में अजीबो गरीब तरह के दाने हो रखे थे। अजीब सा दिखने वाला आदमी उन दोनों के पास आता है और उससे बोलता है, बेटा बेटी तुम दोनों की जिंदगी सफल रहे, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। विवेक देख रहे हो, ये भद्दा सा दिखने वाला आदमी हम लोगों के पास आता और हमसे उम्मीद करता कि हम इस घिनौने इंसान को पैसे देंगे। हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो सुनीता, ये गंदा सा दिखने वाला आदमी को हम छूना भी पसंद नहीं करेंगे। हो भद्दे से दिखने वाले आदमी, सुन लिया तूने? अब चल निकल यहाँ से, तेरे लिए हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, समझा तू? उसकी ये बात सुनकर वह भद्दे से देखने वाले आदमी के चारों तरफ एक तेज रोशनी चमकती है और वह आदमी एक भद्दे से आदमी से तब्दील होकर एक देवता में बदल जाता है। वो देवता उन दोनों को बोलते हैं, अरे मूर्ख इंसान, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैंने तो ये सोचा कि तुम दोनों देखने में इतने अच्छे हो और तुम दोनों का प्यार काफी सच्चा भी दिख रहा था। ये सोचकर मैं तुम्हारे पास तुम्हारी परीक्षा लेने आया। मैं एक भद्दे आदमी का रूप लेकर जानबूझकर तुम्हारे पास आया, ये देखने कि तुम इन गरीबों की कितनी देखभाल करते हो। लेकिन तुम लोगों ने अपने प्यार और अपनी सुंदरता पर घमंड करके खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। तुम लोग किसी गरीब का पेट नहीं भर सकते, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ए लड़की, तू बहुत सुंदर है ना, इसलिए आज से बल्कि अभी से तू एक चुड़ैल बन जाएगी। और विवेक, तुम्हारी जबान कैंची के जैसी चलती है, इसलिए तुम एक कुत्ता बन जाओगे। तथास्त। इतना बोलकर वह देवता अपने हाथों से एक जादू करते हैं और उस जादू से सुनीता एक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है और विवेक एक भूतिया कुत्ते में तब्दील हो जाता है। खुद को इस तरह की हालत में देख चुड़ैल और कुत्ता दोनों ही उस देवता के पैरों में गिर जाते हैं और रोते हुए बोलते हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हम ये भी नहीं जानते थे कि आप एक देवता हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम कभी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे गरीब लोगों को ठेस पहुंचे और नुकसान पहुंचे। हाँ, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके पैर पकड़ रहे हैं, प्लीज। उन दोनों को रोता और गिड़गिड़ाता हुआ देख वह सिद्ध देवता उनसे बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता। परंतु हाँ, यदि तुम अपने परिवार वालों के सामने अपने इस भूतिया वेश में जाओगे तो वो तुम्हें घर से निकाल देंगे, जिसके बाद तुम दोनों को अपने परिवार वालों को मनाना है, और जब वो तुम्हारी शादी करवाएंगे तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर वह देवता वहाँ से गायब हो जाता है। मैं वह दिन कभी नहीं भूल सकती। खैर, जो हुआ उसको हम बदल तो नहीं सकते, चलो चलकर अब हम अपने अपने घर में चले जाते हैं। इतना कहकर भूतिया कुत्ता और चुड़ैल दोनों ही अपने अपने घर में जाकर एक दूसरे के बारे में बता देते हैं। जब यह बात उनके घर वालों को पता चलती है कि एक चुड़ैल और एक भूतिया कुत्ता आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वह उन्हें घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद दोनों ही रोते हुए एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं माने, लगता है हम लोगों को अपना पूरा जीवन इसी तरह व्यतीत करना होगा। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो सुनीता, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। उन दोनों को बात करते हुए उन दोनों के पेरेंट्स देख लेते हैं, जिसमें से भूतिया कुत्ते की माँ उस कुत्ते से बोलती है, बेटा तुम कौन हो और तुम दोनों का क्या कनेक्शन है? मैं मानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक पल को शायद हम तुम्हारी शादी भी करवा दें, लेकिन ये सोचकर हम तुम्हारी शादी नहीं करवा रहे क्योंकि तुम एक कुत्ते हो और वो एक चुड़ैल है। एक भूतिया कुत्ते और एक चुड़ैल की शादी कैसे संभव हो सकती है? उसकी ये बात सुनकर चुड़ैल और भूतिया कुत्ते उन सभी को अपना सारा सच बता देते हैं। ये सब सुनकर चुड़ैल के माँ बाबा और भूतिया कुत्ते के माँ बाप उन दोनों के माता पिता उन दोनों को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं, जिसके बाद हाथ जोड़कर विनती करते हुए चुड़ैल बोलती है, हम लोगों की शादी करवा दीजिए, यदि हम लोग एक हो गए तो हम लोग इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाँ मेरे बच्चे, हम लोग तुम्हारी शादी जरूर करवाएंगे और तुम इस श्राप से जरूर मुक्त हो जाओगे।
इतना कहकर भूतिया कुत्ते और चुड़ैल के माता पिता दोनों ही एक दूसरे की शादी आपस में करवा देते हैं। और जैसे ही वह भूतिया कुत्ता और चुड़ैल के साथ फेरे पूरे होते हैं, वैसे ही दोनों फिर से एक इंसानी रूप में आ जाते हैं, जिसके बाद वह खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। समुद्र की भूतिया शार्क। मुंबई के जुहू बीच पर रात के समय एक नया शादीशुदा जोड़ा घूमने के लिए जाता है। वो नज़ारा बेहद खूबसूरत था। उसको देख बीना बोलती है, विनय देखो मुंबई के जुहू बीच का नज़ारा कितना सुंदर है। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि बस मैं यहीं पर अपना घर बसा लूं। हाँ बीना, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। ये बीच सच में सुंदर है। देखो इस बीच के किनारे कितने बड़े बड़े पत्थर और छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं। इन पेड़ पौधों के बीच में छोटे छोटे फूल भी दिखाई दे रहे हैं। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं यहाँ पर बस जाऊँ। वो दोनों आपस में बात करते हुए एक बड़े से पत्थर पर पानी के अंदर पैर लटकाए बैठ जाते हैं कि तभी उस नदी की लहरें तेज हो जाती हैं और उस नदी में एक शार्क सामने आ रही थी। उस शार्क को देख बीना बोलती है, उधर देखो विनय, वो सामने से हमारी तरफ क्या आ रहा है? पता नहीं बीना, मुझे कुछ क्लियर नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है विनय, चलो यहाँ से। उसकी बात सुनकर विनय और बीना दोनों ही उठकर जाने लगते हैं कि तभी उस नदी में एक बड़ी सी शार्क निकलती है और उन दोनों ही कपल को निगल जाती है, जिसके बाद वो शार्क हवा में उछलकर हंसते हुए बोलती है, मैं यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। इतना कहकर वो शार्क एक बार फिर पानी में चली जाती है और उस नदी की लहरों में गायब हो जाती है। और इस तरह अब कोई भी मुंबई के जुहू बीच पर जाता तो वो शार्क उन सभी लोगों को निगल जाती। उस जुहू बीच की बात अब आग की तरह हर जगह फैल गई है। लोग अब उस बीच पर जाने से कतराते थे। सभी लोगों के मन में डर और खौफ का माहौल बन चुका था, क्योंकि उस बीच पर नए नए कपल्स की आए दिन मौत होने लगी थी। कुछ साल बाद ऋतुगढ़ नामक गांव में प्रिया नाम की लड़की विराज नाम के लड़के से शादी करके हनीमून मनाने के लिए मुंबई की टिकट बुक करवाती है। जैसे ही टिकट बुक होती है, वैसे ही विराज अपनी माँ सुरेखा से बोलता है, माँ मैंने हनीमून की टिकट बुक करवाई है और हम दोनों हनीमून पर जा रहे हैं। लेकिन बेटा, तुम दोनों हनीमून पर कहाँ जा रहे हो? माँ, मैं और प्रिया मुंबई के जुहू बीच पर जा रहे हैं। मैंने उस जुहू बीच के बारे में बहुत कुछ सुना है। अरे बेटा, क्या तुझे उस जुहू बीच के बारे में पता नहीं जो तूने हनीमून के लिए उधर की टिकट करा ली? अरे हनीमून पर जा रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन तू ऐसी जगह क्यों जा रहा है जहाँ तेरी जान को खतरा है? तुझे वहाँ के अंदर का सच नहीं पता? अरे माँ, काहे का सच, वहाँ पर सुंदर सुंदर नजारे हैं, मुझे और क्या चाहिए। विराज और सुरेखा बात कर ही रहे थे कि तभी प्रिया वहाँ आती है और उन दोनों के बीच में बोलती है, अरे विराज, अगर मम्मी जी वहाँ जाने से मना कर रही है तो हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। मम्मी जी कुछ सोच समझ कर ही तो बोल रही होंगी ना। अब तो मैं जुहू बीच पर ही जाऊंगा, अगर मैं वहाँ नहीं गया तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जस्ट गो टू हेल। इतना कहकर विराज वहाँ से गुस्से में चला जाता है, जिसके बाद प्रिया सुरेखा को बोलती है, मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं विराज जी को समझा देती हूँ। वो नहीं मानेगा बेटा, मैं अपने बहू बेटों से बहुत प्यार करती हूँ और मेरी जान मेरे बहू बेटों में बसी हुई है। अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? बस माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं विराज जी को समझा कर आती हूँ। इतना कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है और विराज के पास जाकर विराज से बोलती है, विराज मम्मी अगर हमें जाने से मना कर रही हैं तो वो कुछ सोच समझ के ही बोल रही होंगी ना। देखो प्रिया, मैं नहीं जानता कि उस जुहू बीच पर क्या है, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे वो जगह बहुत अच्छी लगी और मुझे जाना है तो वहीं जाना है। लेकिन विराज। शट अप प्रिया, अगर मैं जुहू बीच पर नहीं गया तो याद रखना मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा और तुम्हें भी कभी भी कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा, समझे। बेचारी प्रिया मुंह लटकाए अपनी सास के पास जाती है। प्रिया का मुंह लटका हुआ देख सुरेखा बोलती है, मैं जानती हूँ कि वो नहीं माना, ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से जानती थी कि वो अपनी जिद पर अड़ा रहेगा। खैर कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग कल सुबह जुहू बीच पर जा रहे हो, मैं बस तुम्हें इतना बोलूंगी कि तुम दोनों ही अपना ख्याल रखना। इतना कहकर सुरेखा वहाँ से चली जाती है और अगली सुबह प्रिया और विराज दोनों ही मुंबई जुहू बीच के लिए निकल जाते हैं।
वो दोनों पूरा दिन बहुत अच्छे से मुंबई को घूमते हैं और अपना डे एंजॉय करते हैं। रात के समय जैसे ही वो जुहू बीच पर जाते हैं, वैसे ही उस जुहू बीच को देख विराज प्रिया से बोलता है, प्रिया देखो ये जुहू बीच कितना सुंदर लग रहा है। मैं तुम्हें बोल रहा था ना कि यहाँ पर हर एक चीज बहुत ही सुंदर है। हाँ विराज, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो इस बीच पर कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। चलो विराज, उस पत्थर पर जाकर हम फोटोज लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम उस पत्थर पर जाओ और मैं इधर से तुम्हारी बहुत अच्छी सी फोटो लूंगा। उसकी बात सुनकर प्रिया जुहू बीच के समुद्र के आखिरी पड़े पत्थर पर जाती है और पोजेस देकर फोटोज क्लिक करवाने लगती है। फिर तभी उस समुद्र की लहरें तेज हो जाती है, लेकिन विराज उस लहरों पर ध्यान नहीं देता। उस लहरों में से एक बार फिर वो भूतिया शार्क निकलकर बाहर आती है और एक झटके में ही प्रिया को निगलकर पानी के अंदर चली जाती है। वो इस भयानक हादसे को विराज अपनी आंखों से देख रहा था। ये देख विराज के होश हवास उड़ जाते हैं। विराज के दिमाग में अब अपनी माँ की बातें घूम रही थी और वो वहाँ रोते हुए खुद से बोलता है, अरे माँ सही बोल रही थी, ये जू बीच बहुत ही खतरनाक है। अरे भगवान, मेरी प्रिया को वो शार्क खा गई। विराज जैसे तैसे खुद को संभालता है, जिसके बाद वो अपने गांव जाता है और अपनी माँ को रोते हुए सब कुछ बता देता है, जिसके बाद उसकी माँ उसको दिलासा देते हुए कहती है, बस कर बेटा, जो होना था वो हो गया, अब तू इन सब के पीछे खुद को जिम्मेदार मत ठहरा। माँ, मेरी प्रिया मुझसे दूर हो गई, मैंने उसे खो दिया। अब इस बात को काफी समय बीत चुका था, लेकिन विराज इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया। अपनी पत्नी की मौत के पीछे का जिम्मेदार वो खुद को मानता है। अपने बेटे को इस तरह सदमे में देख सुरेखा को बहुत ही चिंता होती है और वो खुद से बोलती है, मैं अपने बेटे को कैसे ठीक करूं? सुरेखा खुद से बात करते हुए टीवी चलाती है और टीवी में जुहू बीच की खबर आती है कि उस बीच पर आए दिन लोगों की मौत होती जा रही है और लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर एक भूतिया शार्क देखी गई है। वो भूतिया शार्क ही लोगों को मार रही है। ये देखकर सुरेखा दौड़ती हुई अपने बेटे विराज के पास जाती है और उससे बोलती है, बेटा बेटा देख, उस जुहू बीच के बारे में क्या खबर आई है। विराज उस खबर को देखता है और सरकार से और लोगों के साथ मिलकर उस जुहू बीच पर बैन लगाने की अपील करता है। कुछ समय बाद सरकार उसकी अपील को अपना लेती है और अब उस जुहू बीच को सरकार ने बैन कर दिया था।